हाय गर्ल। हाय। बहुत टाइम के बाद अपनी एक फ्रेंड से मिली थी और एक छोटी सी, मतलब टपरी नहीं कह सकते, एक जगह थी जहाँ पे हम लोग गए थे, छोटी सी गली जैसा। और उसके बाद हम लोग गार्डन गए थे जहाँ पे हम लोग एक छोटी सी कैट, हम दोनों के आसपास ही कब से घूम रही थी। गार्डन जाते ही ना सब बच्चों को देख के अपने बच्चे की बहुत ज्यादा याद, हमेशा की तरह अपने मोबाइल में रहती है, मुझसे ज्यादा प्यार अपने मोबाइल से करती है। अब भी अब देखती क्या है बॉक्स कैसे बनाने का। हाँ ना, टाइम पास है, कुछ नहीं, इसकी जिंदगी मेरे जैसी बोर है। तेरी जिंदगी कब से बोर होने लगी है? अभी जब से अंशु चला गया, अच्छे के लिए गया है ना, उसका फ्यूचर भी तो सेफ हो रहा है। पर याद आती है ऐसे गार्डन में बच्चों वगैरह को देखती हूँ तो याद आती है। अर्शु आई मिस यू। अगर तू कभी जब तुम्हें बुढ़ी और पसंद में आएगा ना, हाँ दिवाली में आने वाला है, दिवाली में आने वाला है, पर मैं मिस करूँगी। महीने में जाके एक बार मिल सकती हूँ? ऐसे नहीं मिल सकते। नहीं 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 नहीं, क्यों ऐसे नहीं मिल सकते? ठीक है क्या? बहुत सीरियसली, आप जाओगे तो फाइन लगेगा, अलाउड नहीं है। हाँ नहीं नहीं मिल सकते। कॉलिंग वगैरह करेंगे वो लोग, टाइम बताएंगे वही टाइम पे। हाँ वही टाइम पे करना है। कब होगी इससे बात में, इसको मिस कर दी। होगा होगा कुछ, ये औरत इतना डाई नहीं करती है, इतने अच्छे बाल है इसके, देख। हाँ हाँ करने चाहिए, पुछड़ी दिखा रही, मेरी भी पुछड़ी ही है ये देख। तेरा ग्रोथ अच्छा है। नहीं बाबा, हाँ जी चाकू दिखाओ, आपका चाकू दिखाओ। इसका अगाड़ा भी मर गया है, इसका पिछाड़ा भी मर गया है। ये दिखाओ, ये दिखाओ, एक मिनट एक मिनट, ये देखो, अरे ये देखो, अरे यार हाँ हाँ बहुत अच्छे। फाइनली हलवा बन गया, बट हलवा अच्छा नहीं बना, थोड़ा सा इसमें ना दाना दाना ना इस बार रह गया है। पहले बनाती तो अच्छा बनता था, पर इस बार अच्छा नहीं बना। पर ठीक है, इतना घी इतना ये, और शुगर भी शायद मेरे को थोड़ा ज़्यादा डालना चाहिए, मैंने पानी ज़्यादा ले लिया इसके अंदर, पानी थोड़ा कम होता तो अच्छा होता, बट ये टेस्टी नहीं बना है इतना। तो मैं ख़त्म कर लूँगी, मैंने ही बनाया इतनी मेहनत से, तो खाना तो पड़ेगा। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, फाइनली। और मैं और मेरी फ्रेंड साथ में निकल गए थे, फ्रेश होके अच्छे मुहूर्त में निकल चुके थे। और अभी मेरी फ्रेंड यहाँ पे कोई गंदा सा जोक पास करेगी जिससे मुझे हंसी भी आई थी। हाँ एक्चुअली वो कैमरा शायद इसके लिए आना नहीं चाहती है, बट अच्छा वो मेरे साथ में आई। और हम लोग यहाँ से सबसे पहले गए दादर, दादर से हमने ट्रेन पकड़ी। एक्चुअली क्या है, मुझे इतना याद नहीं रहता, इसलिए मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगी आपको। हम लोग यहाँ से गए दादर, दादर से हमने ट्रेन, वहां से फिर हम लोग ना बोरीवली की ट्रेन पकड़ी। दो तीन स्टेशन के बाद ही खार आ जाएगा, खार से आपको वेस्ट साइड उतरना है, न्यू ब्रिज के नीचे ही आपको मिल जाएगा मूर्तिकार। और एक्चुअली क्या है ना, मेरी फ्रेंड थी तो उसने मुझे सब बताया, क्योंकि मुझे इतना बॉम्बे का अभी भी ठीक से एक्सप्लेन करने या ठीक से बताने नहीं आता। वहां से वही होटल में हम लोग गए जहाँ पे मैं पिछले साल भी हम लोग यही होटल में आए थे, तो इस साल भी यही होटल में आए हम लोग। और हम लोग ने वही ऑर्डर किया जो पिछले साल हम लोग ने ऑर्डर किया था। और हमेशा की तरह यहाँ पे साउथ इंडियन बहुत अच्छा मिलता है। हाँ साउथ इंडियन बहुत अच्छा था। और ये वही फोटो है, एक्चुअली मैं दिखा नहीं जाती, बड़े कपल पीछे बैठा था तो मैं उनको कवर नहीं किया। शायद आपको फोटो पता रहेगी, ठीक से आपने देखा रहेगा। तो ये पिछले साल भी मैं यहीं पर आई थी और हम लोग ना एक बहुत एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे थे कि यार हमारे पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं, वो बीमार है। और हमको लगा भी कि हाँ यार अब वो, मतलब हम लोग पहले बहुत खुश थी मैं कि हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, पर जैसे उसने अपनी बात बताई तो मुझे भी लगा हाँ यार पहले के जैसे सब कुछ रहा नहीं कोमल, सब कुछ बदल चुका है, मुझे उनका टेंशन आता है, वही सब बात कर रही थी। तो मुझे लगा भी, फिर भी मैंने उसे ट्राई किया नॉर्मलाइज करने का कि चल ठीक है यार जाने दे कुछ नहीं। बट वो अपनी मम्मी के लिए बहुत ज्यादा ही वरिड थी, क्योंकि उसकी बेचारी मम्मी बीमार है और उनको अभी आए दिन पेन और उसे सहन नहीं होता है दर्द। तो वही बता रही थी कि उनको कितनी तकलीफ है, कितना ना प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर हम लोग ने धीरे धीरे करके वो टॉपिक एंड करके दूसरे टॉपिक पे पहुंचे, तो और भी बहुत कुछ बताया उसने अपनी लाइफ के बारे में। और वैसे ही उसके थोड़ी देर के बाद उसने ही ऑर्डर किया था एक्चुअली डोसा, रवा डोसा। हाँ रवा डोसा हमने पिछली बार ट्राई नहीं किया था क्योंकि मेरे चावल की बाधा थी और ये बिल्कुल बकवास था सीरियसली, उसके अंदर काजू और ये सब डाला हुआ था, फिर भी मुझे पसंद बिल्कुल नहीं आया। और ये बिल का सिस्टम है उनके यहाँ का। फिर हम लोग जब एड्रेस पूछ रहे थे ना, तो एक दुकान वाले ने कहा कि यहीं पे आगे नहीं क्या जरीमरी माता का मंदिर है,
जहाँ पे बहुत ज्यादा मूर्ति का सब बनता है, वहीं पे मूर्ति बनती है, तो हमने सोचा वहीं चले जाते हैं, बेस्ट वही रहेगा। और बांद्रा साइड में आता है वो, तो हम लोग वहां चले गए थे। और उसके बाद भी क्या, जब वहां पे गए ना हम लोग, बहुत ऐसा उसके बाद चल के जा सकते हैं 5-10 मिनट के बाद, 5-10 मिनट नहीं, बहुत ज्यादा दूर था। और वहां पे इतनी बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। जैसे ही मैं अंदर गई ना, सबसे पहले मेरे मुंह से वाव निकला, और बस मैं ना देखती रह रही थी कि यार कितनी सुंदर मूर्तियां हैं, कितनी सुंदर मूर्तियां हैं। पर एक भी जगह पे हम लोग जहाँ पे गए थे ना, वहाँ पे दशामा नहीं थे, सिर्फ गणपति की मूर्तियां थी। और सब गली गली के अंदर एकदम कोने कोने में भी, एक दुकान नहीं छोड़ी थी हमने, हमने हर दुकान में पूछ लिया, एक भी दुकान में ना दशामा नहीं मिले हमें। यहाँ पे आए थे, कुछ फायदा हुआ नहीं, बट ठीक है, बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियां देखने को मिली, वही अच्छा है। जैसे ही हम लोग वहां से डिसअपॉइंट होके आ ही रहे थे, यहीं पे था ना, कि हमने बहुत ढूंढा, नहीं कहाँ चला गया, मॉर्निंग में निकले थे, सुबह निकले थे, और हम लोग मुंबई मतलब ढूंढ ढूंढ के ढूंढ ढूंढ के आ गए। और रात को हम लोग को मिल ही आगे, आगे, था, आगे। कहाँ था, यहीं पे तो था, यहीं पे तो था, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था ना, मतलब इतना बना नहीं था, प्लेन रास्ता था, बट अभी वैसा नहीं था, अभी बहुत अंदर अंदर जाके अपने को मिलेगा वो। और इतना अंधेरा था, मतलब दिख भी नहीं रहा था प्रॉपर कि क्या है। फिर आगे जाके हम लोग को थोड़ी बहुत दूर से एक मूर्ति दिखाई दी, तब मुझे पता चला कि हाँ यही दशा माँ की मूर्ति है, यही जगह ऊंची आती थी बनाता है। और एक बंदे ने तो क्या किया, आगे ही नहीं थे, दो दशा माँ बनाते हैं, और आगे वालों ने क्या किया, उन्होंने बोला करके अरे तो भरत भाई, हाँ भरत भाई करके है, हाँ भरत भाई बाहर गए, और हम लोग को लगा वही मूर्ति है। बट सडनली ना हम लोग और अंदर देखा ना, थोड़ा अंदर साइड में एकदम था, और मतलब इतना स्कैम करते हैं ना कभी कभी, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे मुझे तो ऐसे स्टेप का गलत लगा था तभी। और हमने भरत भाई को भी बोला था कि आप मुझसे कहते जो सही लगता है वो करते हैं, नहीं मत निकालो, मत निकालो भाई, मत निकालो, मैं छोटा ही लेती हूँ, इतने अच्छे हैं। मैं सिर्फ ना वो एक और है ना, वो लेते हैं ना बड़ा, मतलब हमने उनके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, मूर्ति पेड़ के नीचे भी माता रानी की, हमें देखना था कि माता रानी कैसे है, कौन सा कलर देना है उनको, कौन सी उनकी साड़ी का कलर होगा, कौन सा उनके मुकुट का कलर होगा, हर चीज़ की लिए ना हमें वहाँ पे जाके देखना था प्रॉपर। वहाँ जाके इतनी सारी देखा ही नहीं, और एक एक ना नया नया वेराइटी भी आया था उनके पास, पर बड़े में था, छोटे में कॉमनली आ जाता है, छोटा में ज्यादा ऑप्शन नहीं रहता है, बड़े में बहुत ऑप्शन रहता है। और ये पिछले साल की मूर्ति है, पिछले साल थी ना नाव के ऊपर, वही थी, तो छोटे में ऑप्शन आपको बहुत कम मिलेगा, जैसे शंख है मोर पे और माता रानी विराजमान है, मुझे ये भी बहुत अच्छी लगी छोटे से। और बस ये देखिए, ये भी मटका खुली हुई है माता रानी, ये भी बहुत प्यारे थे, मुझे बहुत पसंद आए सारे, इतने सारे है ना, पता नहीं सच्ची कितने सारे, इतने प्यारे, नजर ही नहीं हटती सच्ची, मेरी नजर लग जाएगी, लगता है मैंने पिछले साल भी यही बोला था और ये साल भी यही है, इतने सुंदर है, इतने सुंदर है ना सच में, इतने प्यारे, वो ऊपर दिख रहे हो चांद, चांद की है वो, इतने पता सच में रात है, दिन में आएंगे ना बहुत दिख के खिल के दिखेंगे ये माता रानी का मुंह, मतलब चेहरा ऐसा है ना, ऐसा लगे खिलते रहते हैं, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे, इनमें से किसी एक को छूना है ना नामुमकिन सा है, बट क्या करें, बहुत सुंदर है। राधा कृष्णा, बिलाड़ी 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 ने मम्मी, बिलाड़ी ने बच्चुकड़ू, भाग्य भाग्य सब अंदर। आप जब आप यहाँ पे आएंगे ना, तो जो आपके मन को भाए, जो आपकी आंखों को भाए, और जो आपके क्या बोलते हैं दिल से ऐसा लगे ना कि हाँ यही चुनना है, तो उसे ही चुनिएगा, बहुत सुंदर। ये अचार है, चावल है, जीरा राइस मैंने कल ही बनाया था, और ये दाल है, दाल में मैंने पानी डाला है, तो इसके लिए थोड़ा सा और ये इसकी क्वांटिटी बढ़ गई है। बात ना वीडियो बनाने का था, बट सीरियसली मेरे को इतना हेडेक हो रहा था, और जैसी आई ना वैसे ही इतनी बारिश थी, तो मैं आधे से ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाता, मैंने शायद माता रानी तक का ही वीडियो बनाया रहेगा वहाँ तक का ही, उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाया, और मैं सीधा घर पे आके वीडियो बना रही हूँ, अभी थक गई मैं बहुत ज़्यादा, खाना खाऊंगी, थोड़ा मोबाइल देखूंगी, उसके बाद मैं जल्दी सो जाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, मैंने पेन किलर भी लिया था, और आई थिंक सो मुझे फीवर आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है सुबह से, मतलब मेरी बॉडी ना बहुत हीट प्रोड्यूस कर रही है, और मैं अगर देखो बाहर गई थी तो ठंडा लग रहा था थोड़ा, बट जैसे गर्मी है ना मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा गर्म है, और हेडेक भी बहुत है, तो मैं सोच रही हूँ मैं सो जाऊँ, बेटर वही रहेगा,
खा के सो जाती हूँ। थैंक्स फॉर द वीडियो, आपने देखा आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू, आओ जो।